हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल हम आ गए हैं फिर से नई ताज़ा बकवास लेके। वैसे हम आज बहुत ही ज़रूरी बात करने आए हैं, बकवास कुछ नहीं है इसमें, कोई भी इसमें जो है बकवास नहीं है। आज बकवास करने का हमारा मूड नहीं है, बाद में आएंगे। कभी फालतू वीडियो का वेट कर रहे हैं ना, फालतू वीडियो हम बहुत जल्दी के आएंगे। तो जी, हमें आज क्या बताना है? हाँ, पहले हम बताने के लिए यही आए हैं, मतलब बताने के लिए कुछ नहीं आए हैं, बेसिकली हम ग्रैटिट्यूड प्रकट करने आए हैं उन लोगों को जो जिन्होंने हमारे वीडियो को जो है, हमारा जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने कुछ चीज़ें रिवील की थी, जो हमारी जॉब से रिलेटेड जो है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें जो है जाहिर की थी, तो उस चीज़ों को जो है आप लोगों ने फॉरवर्ड किया है ट्विटर पे, बहुत लोगों ने उसको शेयर किया है, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स मतलब इंक्रीज़ हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो चाहते हैं कि जो है हम ग्रो करें, बेसिकली जो चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया है। सैल्यूट आप लोगों को, सैल्यूट है आप लोगों को, जो है बहुत 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 ग्रैटिट्यूड है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बिल्कुल अपने दिल से जो है हम आप लोगों को जो है आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। मतलब आशीर्वाद देने के वो तो है ना, 36 ईयर ओल्ड है तो आशीर्वाद तो बनता है हमारा, इतने तो बड़े हैं ही है कि हमारा आशीर्वाद आप लोगों को लगे। तो जी, इसमें काहे की शर्म है, अब है तो है हमारी एज, तो जी यही है। अब हाँ, अपडेट ये है कि उस वीडियो को हमने परसों पोस्ट किया था, कल हमें ऑफिस से दोबारा कॉल आया था, तो कॉल इन द सेंस एचआर ने हमें कॉल करके बुलाया, और वो हमको जो है हमारे उनको ऑफिस में बुलाया था। बेसिकली हमें नहीं पता क्यों बुलाया था, बट हमें पता है उनको वीडियो का पता चल गया होगा, और उनके जो है आग लग गई होगी उनके तन बदन में, है ना, तो उनको लगा होगा कि यार ये हमारी जो पोल खुल गई है, तो ऑफिस में बुलाया, दूसरी साजिश करने के, परसों भी बुलाया था, परसों साजिश करके हमारा रेजिग्नेशन बदलवा दिया था, कल दोबारा बुला के जो है नया कोई प्लान किया होगा, साजिश किया होगा। तो जी, हम गए नहीं क्योंकि हमने रिज़ाइन कर दिया, वहाँ से कोई मतलब नहीं है, सैलरी तो वो वैसे भी नहीं देंगे, और खा गए मतलब, और ना सैलरी देंगे ना हमारा कोई, उनको उन्होंने आउटकम तो निकाला नहीं। और हमको बोल रही थी कि जो है आप आ जाओ, हमने आपकी 1.5 घंटे तक बातें सुनी थी, कोई बातें किसी ने कोई बातें नहीं सुनी है किसी की, मतलब वहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है आपका, मतलब बस जाना चाहते हो रिज़ाइन दे दो, सैलरी नहीं मिलेगी, पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब काम करा लो पर पैसे नहीं मिलेंगे। जो भी है यार, रखो यार, आपस में बांट लेना, तुम भी ले लेना यार, तीन जनों को बोला था ना कि बांट लेना यार, थोड़ा से एचआर को भी दे देना है, बेचारी कल कॉल किया था, हैरी पॉटर की फ़ैन है वो, हरकतें वोल्डेमॉर्ट वाली है और हैरी पॉटर की फ़ैन है, कर्मा सिखा रही थी हमें फ़ोन पे, कल कह रही कि मैम आप इतना रूडली बात कर रही हैं, आपको लगता है कि हमने रूडली बात की होगी? हम बहुत फास्ट बात कर रहे थे लेकिन हम रूड नहीं हुए थे, हमने बोला कि हमें ऑफिस नहीं आना है, और हमने बोला कि सुबह सुबह झूठ मत बोलिए, तो हमको बोलने लगी कि हम रूड हो गए। बताइए क्या ही बोले, आपको लगता है कि हम रूड होंगे? हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं ना, जितने भी लोग हमें जानते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है ना कि हमको गुस्सा नहीं आता है, हम बहुत इमोशनल हैं, हमको बहुत जल्दी, मतलब हम बहुत जल्दी इमोशंस हो जाते हैं, इमोशन से भरे हुए इंसान है, मतलब दया दूसरों को देख के, है ना, मतलब बहुत दया आती है चीज़ों को देख के, कोई ज़रूरतमंद को देख के, है ना, खुद पर भी कभी कभार बहुत दया आती है कि यार क्या है। तो हम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, किसी की बददुआएं मत लीजिए, कर्मा खराब मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, सुबह सुबह झूठ बोल रही थी, बताइए, अब वोल्डेमॉर्ट की फैन होंगी, फ़ोन कह रहे हैं वोल्डेमॉर्ट की फ़ैन होंगी तभी ऐसा हरकत है, हैरी पॉटर की फ़ैन होती ना तो मतलब अच्छी होती, हैरी पॉटर कितना अच्छा है, कितना अच्छा कैरेक्टर है, बताओ बताइए उसका, ऐसे ढोंगी लोग क्या ही बोले। और खैर, हमसे बस 2 साल बड़ी हैं वो, 38 ईयर्स बताया था उन्होंने अपनी एज, सॉरी हमने आपकी एज बता दी, गुस्सा मत होइएगा तो क्या हो गया, जवान हैं आप भी खैर और क्या बताना था हमें, हाँ हमें, हाँ ग्रैटिट्यूड से याद आया, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट किया है, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है, और
और हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं जिन्होंने इस वीडियो को इतना आगे तक फॉरवर्ड किया है, इतने सारे मतलब इतनी बार देखा गया है, इतने व्यूज़ आए हैं, थैंक यू सो मच। आपने मतलब ग्रो करने में मदद की है। हमने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसा कोई कदम उठा लेंगे, कि हमें खुद पर बहुत ही वो हो रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव फील करवाया आपने। एक ब्रोकन इंसान को जो है वापस से स्टेबल करने के लिए, उन वापस से ग्रो करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आपने जो सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से जो है धन्यवाद है आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मतलब दिल से हमारा बस चलता, हम अपना दिल निकाल के रख देते हैं आप लोगों के सामने, कि आप लोगों का, मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये मिनी दास की दुआ है। और ट्रस्ट मी गाइस, हम जब बोलते हैं वो चीज़ें होती हैं, तो अगर आप मानते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, कुछ समय बाद आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे, इतने अचंभित कर देने वाले बदलाव आएंगे, जो कि बहुत हैप्पी होंगे, जो बहुत ही बेस्ट एवर चेंजेस आप जो है आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे, और आपको तब याद आएगा कि मिनी ने बोला था। और हमें एक और चीज़ बतानी है, जो हमारा जिस ऑफिस को हम छोड़ कर आए हैं, अब हम उस चीज़ को पीछे छोड़ कर आ गए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे कुछ SLP लोग थे, मतलब सिर्फ कल्प्रिट्स तो हर जगह नहीं होते ना, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, तो उन लोगों को भी जो है हम ग्रैटिट्यूड अपने दिल से देना चाहते हैं। और यहाँ पे तो हम उस कमेंट सेक्शन में तो हमने नाम वीडियो में नाम मेंशन नहीं किए थे, लेकिन कुछ बहुत ही बहादुर इंसानों ने जो है वहाँ पे डायरेक्ट नाम मेंशन कर दिया उस वीडियो के नीचे। सैल्यूट है आपको, बहुत ज़्यादा सैल्यूट है आपको। और हमने जो है, हाँ, हमको ग्रैटिट्यूड करना है, तो हम जो है पूरा उन लोगों के नाम बताना चाहेंगे जिनको हम ग्रैटिट्यूड प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए, तारीफ़ करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो लोग अच्छे होते हैं उन लोगों का नाम आके बताया जाना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए कि ये लोग वाकई में अच्छे, सच्चे और जेन्युइन इंसान हैं। तो सबसे पहले जो हम नाम लेंगे, हमारे ट्रेनर अरमान सर और हमारे अनुराग सर, वो हमारे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हमारे साथ रहे, और उन्होंने जो है हमारे आखिरी दिन तक, जब तक हम रिज़ाइन दे रहे थे उस दिन तक भी उन्होंने हमको सपोर्ट किया है, जितना भी उनका साथ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जो है हम जैसे इंसान को आपने ये सोचा कि हम में काबिलियत है, आपने हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद की, बहुत आपने कोशिश की कि हम जो है आगे बढ़ें, आपने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, सर उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। दूसरी बात, अरमान सर के अलावा हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स आर बेस्ट, सारे ट्रेनर्स, ठीक है, हम हर किसी ट्रेनर्स का नाम बता, चेतना मैम और राहुल सर, आकिब सर, और जो है ये ट्रेनर्स हमें इनके नाम ही मालूम है, और अरमान सर और अनुराग सर, तो उनके साथ तो हमने जो है ट्रेनिंग ली है। तो और बाकी फ्लोर पे जो एक और मैनेजर FM है, शायद फ्लोर मैनेजर है, तो वो मतलब उनके बात नहीं कर रहे, त्रिपाठी सर की बात नहीं कर रहे हैं, त्रिपाठी सर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी भी मैम थी वहाँ पे, आई विश कि हमारी फ्लोर मैनेजर वो होती, वो बहुत जेन्युइन पर्सन है, उनका नाम हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, बट शी इज़ अ गुड जेन्युइन लेडी। मैम थैंक यू, आपने भी हमारा जो है फ्लोर पे काफ़ी सपोर्ट किया है, और आपने भी हमको बोला था कि आपने ही हमारा जो है तकलीफ़ आपने महसूस की थी, आपने ही हमको डायरेक्ट आके बोला था कि आप इतने परेशान, इतने दुखी, हमेशा ऐसा आप में मैम, क्योंकि वो फ्लोर पे जाते ही वो ऑरा हमारा मिस हो जाता था, हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल नेगेटिविटी में बदल जाती थी, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही थी, जो TL असाइन किया गया था, जो AM असाइन किए गए थे, वो नहीं सुनते थे, वो बस अपना मनमर्जी चलाते थे, बहुत रूड बिहेवियर था उनका, नहीं हो पाया हमसे तो फाइनली। और कौन है जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, हाँ, एक सुनील सर थे फ्लोर पे, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे थे, और कौन थे,
हमने ज़्यादा लोगों के नाम पता नहीं है, लेकिन हाँ जिनके भी नाम लिए हैं हम इनको ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनको ही हमारा ग्रेटिट्यूड है। इन लोगों ने जो है बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छा किया है। रिस्पेक्टिव TLs, जितने भी TLs हैं फ्लोर पे, सिवाय उनके, ओके सिवाय उनके, ठीक है, उन 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 TL के छोड़ के बाकी जितने भी TLs हैं, प्लीज़ अपने जो एडवाइज़र्स हैं, फेलो एडवाइज़र्स हैं, जिनके भी आप TLs हैं, प्लीज़ उनको 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 ग्रो करने में मदद कीजिए। उनको फीडबैक के नाम पे जलील मत कीजिए। उनको जो है आप बुलाते हैं फीडबैक के लिए, तो उनको बार बार जलील करके आसपास के लोगों को ज़ोर ज़ोर से सुना सुना के एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है इतना जलील मत कीजिए। दुआएं लीजिए, प्लीज़ दुआएं लीजिए, बददुआएं मत लीजिए। आप मतलब क्या बोलें, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, मतलब उसको वेस्ट मत कीजिए। दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, भला करिए, अच्छा करिए, ठीक है, ईमानदारी से काम करिए। आपके अंडर जितने भी जो है बच्चे आते हैं, एडवाइज़र्स आते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं उनकी, और उनको उनको फीडबैक के नाम पे मेंटल टॉर्चर मत कीजिएगा। और वैसे भी बाकी सारे TLs अच्छे हैं फ्लोर पे, नो डाउट, ठीक है, जो था वो था, जो हो गया सो हो गया। खैर इतना ही हमें बताना था। और हाँ, इससे पहले हमने एक जिस कंपनी में काम किया था, नोएडा सेक्टर 16 में स्टार्टेक नाम की कंपनी में हमने काम किया था, वहाँ की जो ट्रेनर थी, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हमें जिन जिन कंपनी में हमने काम किया है वहाँ की ट्रेनर्स बहुत अच्छे रहे। यहाँ के ट्रेनर रमान सर तो मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए। और वहाँ की जो ट्रेनर थी, वहाँ की ट्रेनर मिस शेखावत थी, और वो जितनी मतलब वो जितनी खूबसूरत हैं, उनका मतलब वो अपने अपने चेहरे से जितनी खूबसूरत है, उनका दिल भी उतना खूबसूरत है। जेन्युइन पर्सन, शी वॉज अ नाइस पर्सन। और आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, ग्रैटिट्यूड है, ठीक है। आप लोगों का भगवान मतलब आपकी सारी कामनाएं पूरी करे, सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी करे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छे मन से जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो यहाँ पे कल्प्रिट्स भी देख रहे होंगे, बुरे लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन हमारे दिल से आप लोगों के लिए भी दुआएं हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे कर्मा कीजिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ठीक है। किसी को हर्ट मत कीजिए, बुरे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, किसी के मन को चोट मत पहुँचाइए। बस इतनी सी गुजारिश है, हम और कुछ नहीं चाहते आपसे, और बस इतना ही, ओके। तो आई विश कि जस्टिस मिले हमें, हमने कभी गलत किया नहीं है, तो हमारे साथ गलत होगा भी नहीं। हमें जस्टिस चाहिए, आई होप हमें जस्टिस मिले। वहाँ का तो हमें उस ऑफिस का हमें थोबड़ा भी नहीं देखना है, उस जगह पे अपना अपने अपने पैर भी नहीं रखने हमें। बहुत ही कर्स्ड जगह एकदम हमारे लिए साबित हुई है। बाकी सबका भला हो, खुश रहिए, आबाद रहिए, सबकी ज़िंदगी में रोशनी लाइए, सबको आबाद रखिए, किसी को बर्बाद मत कीजिए। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, माय ब्लेसिंग्स। दोनों हाथों से हमारा आशीर्वाद ले लीजिए, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।